जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुप्तान अब्बास और आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 40 बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, चैप्टर नंबर 12 का हम एंड करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में ही हम जो है अपना सिलेबस वाइंड अप कर दें। तो लास्ट टाइम हमने 12.23 तक जो है वो क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जो है हम क्वेश्चन 12.24 को देखेंगे। y इज इक्वल टू ए ई की पावर bx दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आप पहले भी जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, log y इज इक्वल टू log a प्लस बी log e, और बी log e जो है वो ब्रैकेट में डाल के y जो है वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और क्या बनेगा, y प्राइम इज इक्वल टू a कैपिटल a प्लस कैपिटल बी एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि जो y प्राइम होता है वो log y के इक्वल होता है, जो कैपिटल a होता है वो log स्मॉल a के इक्वल होता है, और जो b होता है वो b log e के इक्वल होगा, स्मॉल b log e के इक्वल, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या बनती होती है, y प्राइम इज इक्वल टू ए कैपिटल a प्लस बी एक्स जो है, इसको क्या कैसे पहले जो है आप समीशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इक्वेशन क्या बन जाती है, समीशन y प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल a प्लस b कैपिटल b समीशन x, और फिर जो है आप समीशन x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, समीशन x y प्राइम इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो है टेबल में कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वाई की वैल्यू आपके पास मौजूद है, एक तो आपको वाई प्राइम लेना पड़ेगा क्योंकि वाई प्राइम आपको चाहिए, तो लॉग वाई लेंगे और एक्स के साथ वाई प्राइम को मल्टीप्लाई करवा देंगे और एक्स का स्क्वायर करते जाएंगे, इसको जो है आप इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, फिर आपके पास जो है कैपिटल ए का आंसर आ जाएगा, उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास स्मॉल ए आ जाएगा, और जो आपको बी मिलेगा उसका आप एंटी लॉग लेंगे तो आपको स्मॉल बी का आंसर मिल जाएगा। इसी का बी पार्ट जो है वो जब आपने जो है वाई प्राइम वाली इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली, आपको क्या मिल गया, वहाँ पर ए का और बी का आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखें, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटिंग लाइन ऑफ द वेरियस फ्रॉम ऑफ x, डू द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ y फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एड टू ज़ीरो, एक्सप्लेन योर रिज़ल्ट। तो जो आपने ऊपर y प्राइम वाली इक्वेशन फाइंड की है उसको क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद जो है y प्राइम कैपिटल a प्लस कैपिटल बी एक्स, ठीक है। तो उसको जो है कैपिटल a प्लस कैपिटल बी एक्स जो है x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवाते जाएंगे तो y कैप निकल आएगा। y कैप कैसे निकालेंगे, जो आपने y प्राइम की वैल्यू निकाली होगी x की एक एक वैल्यू पुट करवा के, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, जो आप मोस्टली गलती करते रहे हैं कि आपने इक्वेशन के साथ एक्स की वैल्यू जो है वो साथ साथ पहले नंबर पे एक है, फिर दो है, तीन है, चार है और पाँच है, तो 1 2 3 4 5 ये पुट करवानी है तो आपके पास वाई कैप की वैल्यू निकल आएंगी, और जो वैल्यू इसकी निकलेंगी उसका आपने एंटी लॉग लेते जाना है, फिर जो है वाई माइनस वाई कैप करेंगे और उसका जो है आंसर लेंगे तो वो जो है वो किसके इक्वल होगा, 0.07 के इक्वल होगा। तो जो डेविएशन फॉर्म होती है, जो आप समीशन ई इज इक्वल टू मैंने ज़ीरो का आपको करके दिया था, ठीक है, वो आपके ज़िम्मे जो है वो एक असाइनमेंट लगाई थी, तो समीशन ई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसका भी अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.07 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, द डेविएशन ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई फ्राम द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एड टू 0.07, मतलब ये क्या है, समीशन ई जो है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12.25, एस्टिमेट द कांस्टेंट ऑफ
प्रेटो कर्व एन ए एन इज इक्वल टू ए एक्स की पावर माइनस ए विच फर्स्ट द डाटा इज बिलो। ठीक है, इसमें इनकम एक्स की वैल्यूज मौजूद हैं और नंबर एन की वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ए प्लस माइनस अल्फा माइनस अल्फा लॉग एक्स। तो y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी एक्स प्राइम स्ट्रेट लाइन, और y जो है वो log n के इक्वल होगा, और जो a है वो log a के इक्वल होगा, और जो b है वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा, और जो x है वो x log x के इक्वल होगा। तो नॉर्मल इक्वेशन जो आपके पास वो क्या बनेगी, समीशन x इज इक्वल टू कैपिटल n a प्लस बी समीशन x प्राइम। और समीशन जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, जब आप समीशन एक्स प्राइम को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, समीशन एक्स प्राइम वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्राइम प्लस बी समीशन एक्स प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपको यहां से चाहिए होगी वो आप निकाल लेंगे और आप जो है उसको इक्वेशन में पुट करवा देंगे। ठीक है, उसको इक्वेशन में पुट करवाने के बाद जो है आपको ए का और बी का आंसर मिल जाएगा। उसको जो है आप जाके जो है इक्वेशन में पुट करवा देंगे बी का आंसर, तो तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपके पास निकल आएंगी। और ए कैपिटल ए कैसे लेते होते हैं, एंटीलॉग स्मॉल ए लेंगे, और कैपिटल बी जो है वो कैसे लेते होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगर स्मॉल लेने हों तो कैपिटल का एंटीलॉग लेना पड़ता है, और अगर कैपिटल लेने हों तो स्मॉल का जो है वो एंटीलॉग लेना पड़ता है। तो आप जो है ए बी और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो वो आप इसमें से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखें 12.26, द प्रेशर पी ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम वी, इसमें जो है पी और वी में वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, लॉग पी प्लस गैमा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, सी जो है वो पी वी की पावर गैमा के इक्वल है, वी जो है वो वन ओवर गैमा होगा, सी जो है वो माइनस वन ओवर गैमा होगा, और पी पी एज टेकन एज इंडिपेंडेंट वैल्यू है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो है जो v है वो y की जगह पे लिया जा रहा है, और जो p है वो x की जगह पे लिया जा रहा है। तो y की जो इक्वेशन बनेगी वो स्मॉल a प्लस स्मॉल बी एक्स, और a वन ओवर गैमा के इक्वल होगा और log c ले लेंगे, और b जो होगा वो माइनस वन ओवर गैमा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जो इसकी नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। ठीक है, और समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर। मतलब इसमें आप जो है आपने ए और बी का फार्मूला जो यूज़ किया था, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं लेक्चर नंबर, जो है मैंने शुरुआत में ही मतलब आपको सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में भी वो फार्मूले करवाए हैं ए और बी के, तो वो वाले फार्मूलाज आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं, या मैं जो है लास्ट में इसके फार्मूला जो है वो आपसे दोबारा जो है वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, या मतलब जो है उसकी पिक्स वगैरह आपको भेज दूंगा, तो वो जो है आप फार्मूले यूज़ करेंगे बी के और ए के फार्मूले यूज़ करेंगे, तो जो है आप इसको ईजीली कर लेंगे। या इसके इस लेक्चर की जो लास्ट में है, इसके बाद जो है मैंने एक स्लाइड्स जो है वो बना के जो इस इन क्वेश्चन की इक्वेशन बन रही हैं उनके हवाले से जो अगर मौका मिला तो वो आपको क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12.27, द इक्वेशन ऑफ द कर्व वन ओवर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अ सेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसमें भी सेम आपके पास जो है इक्वेशन मौजूद है वन ओवर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो
वाई प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा, ठीक है। और वाई प्राइम किसके इक्वल है, ये पहले भी आप इस तरह के जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वो वन ओवर वाई के इक्वल होता है, जो नॉर्मल इक्वेशन बनती है। तो वाई प्राइम है तो उसको सबसे पहले जो है उसको समीशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर समीशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहली आपकी क्वेश्चन बनेगी वो समीशन वाई प्राइम इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, और जब आप समीशन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, वाई की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा, वाई प्राइम निकालने के लिए वन ओवर वाई करना पड़ेगा, और एक्स और वाई प्राइम को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास टोटली जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, उनको जो आके आप क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करवाएंगे, तो आपको जो है इक्वेशन मिल जाएंगी, और वहाँ से जो है आपको ए और बी मिल जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12.28 है, फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑर्डर फॉर डिटरमिनिंग ए बी एंड सी फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू। ए बी और सी आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ की जो है वो लास्ट टाइम आपने एग्जांपल की थी 12.7, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन वाई माइनस ए माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स का स्क्वायर, और जो है आप क्या लेते हो, जैसे डेरिवेटिव लेते हैं पहले ए के बी के, और विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी और विद रिस्पेक्ट टू सी रखेंगे, और जो है आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो लास्ट टाइम जो है आपने इसके साथ की जो है वो एक एग्जांपल की थी, इसका बी पार्ट भी सेम वैसे ही है। तो फिलहाल जो है वो आप यहाँ तक कर लें, नेक्स्ट लेक्चर जो है अगर मिला तो उसमें जो है, लास्ट टाइम आपने 12.8 जो है वो एग्जांपल की थी जिसमें इक्वेशन दी हुई थी और आपने जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी थी। मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसको जो है वो इक्वेशन करवा दूँगा। तो बेटा जो है आपका सिलेबस तो है वो एंड होने को है, और आप जो है इसको रिपीट करते रहें, बार बार जो है इसको इसकी तैयारी करते रहें, और MCQ जो है उनको जो है वो गौर से पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था बेटा आज का हमारा लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।